So guys, formula number 8 वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो finally guys, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक बहुत कमाल का कंप्यूटर। उससे पहले क्या क्या कंप्यूटर के अंदर है उसके बारे में हम बात करेंगे, उतना तो हमें जानकारी है नहीं, बट एक्चुअली हम कोशिश करने वाले हैं। सो ये है मदरबोर्ड और आप देख सकते हैं V450M का है। सो एक्चुअली इसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता, ये तो कंप्यूटर में लग चुका है। और आप देख सकते हैं ये है रैम ना गेम, मतलब मुझे नहीं पता गेम रैम जो भी है। तो ये 16GB का है, 8 करके जो भी है इसके अंदर, अभी ब्लैंक है, बिल्कुल खाली है, कुछ है नहीं, सब उसके अंदर डाल दिया है। और ये है प्रोसेसर, आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि मुझे इसके बारे में उतना नॉलेज है नहीं, सिर्फ अनबॉक्सिंग कर रहा हूं। और ये है आपका, खोल के दिखाओ जरा, खोल के कुछ नहीं होने वाला भाई साहब, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो क्या खोल के दिखाए। ये देख सकते हो, ये है वो, यही है। तो कंप्यूटर में क्या लगाया? कंप्यूटर में तो कुछ लगाया नहीं। तो देख सकते हैं ये 1050 का है, ओके और फाइनली हाँ, और ये जो है वो है जो इसके अंदर होता है SMPS, यस ओके। सो एक्चुअली और क्या दिखाए, हाँ है हमारे पास और भी बहुत कुछ है। ये है हमारा HP का मदरबोर्ड नहीं वैसे आप कीबोर्ड एंड माउस, और एक्चुअली इसको अभी तक ओपन नहीं किया, चलो ये अनबॉक्सिंग आपके सामने कर सकता हूँ। ये देख सकते हो, ये है वो, वाह भाई साहब टाइपिंग भी कर लिया। तो एक्चुअली ये कमाल का चीज लगा। और अभी जो हम ओपन करने वाले हैं वो है कैबिनेट, वो है कैबिनेट, कैबिनेट नहीं है सिर्फ भाई साहब, जितने भी सामान मैंने दिखाया सब इसके अंदर डाल दिया गया है। और PC है ये, और इसको ओपन करते हैं, कोई तो पकड़ो, हाँ मदद करो, लो पकड़ो, मदद करो थोड़ा सा, ओके। सो ये देख सकते हो, तेल लेने जा रहा हूँ मैं, हाँ हटा रहा हूँ एक मिनट। ये है इसका लुक, तो लुक देखने से पहले भाई साहब आप लोग लाइक फटाफट कर दो। ये देखो इसका लुक, फास्ट लुक है, हेवी मशीन गन। और अगर आपको कहीं पर इसको लेके जाना है अपने ससुराल में या आप किसी के घर में जाना चाहते हो तो ऐसे भी लेके जा सकते हो, बहुत कमाल का मॉडल है। और आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल सिंपल है। अरे कहना क्या चाहते हो, ओके और यहाँ पर देखो सब कुछ आपको देखने को मिलता है। ये हाई स्पीड है, इधर साइड से दिखा दो, और ये पावर बटन है, और यहाँ पर हेडफोन और माइक के लिए ऑप्शन दिया गया है, पीछे भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और इसका वेट जो है बहुत ज्यादा है, और देख सकते हो ये पूरा चीज बताने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइटिंग, थोड़ा सा आप यहाँ से लाइटिंग देख सकते हैं अंदर का जो भी होते हैं, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, अंदर में क्या क्या रहता है भाई साहब, हाँ कुछ किडनी वगैरह रहता है, हाँ वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, किडनी वगैरह सब कुछ है आप देख सकते हैं। अभी जो हम खोलने वाले हैं वो है, आप इसको खोलो यार, ये बैटरी है, CPU ब्लेड आ गया है, तो इसको खोलते हैं। और ये इसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, ओहो, तो ये है वो भाई साहब, कैसे हो, हाय हाय, Wait a minute, who are you? ओके सो भाई साहब ये टूट गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड है और बहुत ज्यादा वेट भी है इसका। और देखो ये नॉर्मल, थोड़ा सा हेल्प कर दो, बहुत ज्यादा वेट है इसका, सच में बहुत ज्यादा वेट है। और चलो इसको रखने दो, अभी रहने दो, बाद में देखता हूँ। ये काफी वेट है इसका, काफी ज्यादा वेट है सच में, इन्वर्टर बहुत, तो यार इन्वर्टर देख सकते हो। और ये आधा घंटा 40 मिनट तक आपको देने वाला है अगर लाइट चला जाता है तो। और यहाँ पर हमारे आसपास में उतना लाइट का प्रॉब्लम नहीं होता है, बीच बीच में कभी कभी प्रॉब्लम कर जाते हैं तो उस टाइम पे कम आएगा, क्योंकि लैपटॉप था इतने दिन से, तो लैपटॉप में ये सारे प्रॉब्लम नहीं होता था, चार्ज होता था, हम काम कर लेते थे। लेकिन इस बार अगर लाइट कभी चला जाता है तो काम करना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हमने थोड़ा सा हैवी ले लिया। और आशा करते हैं कि अच्छा चलने वाला है। और ये देख सकते हैं माइक्रोटेक का है, बहुत बढ़िया है, आशा करते हैं कि अच्छा चलने वाला है। सो गाइस अभी जो ओपन करने वाले हैं वो है सैमसंग का मॉनिटर, और ये मैंने खुद भी नहीं देखा अभी तक, तो ये मैं फर्स्ट टाइम देखने वाला हूँ। ये सस्पेंस है, हाँ ये हमारे लिए भी सस्पेंस है, आप लोगों को भी लिए हैं। तो एक्चुअली इसको सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, वो भी 2 रुपए के ब्लेड से, ओके। सो एक्चुअली अभी इसको ओपन करने वाला हूँ, और ओपन हो भी चुका है। तो सबसे पहले हमें जो देखने को मिल रहा है वो है इसका चार्जर, और इसका क्या है भाई साहब, जो भी है बाद में देखेंगे, 25 वाट का है एक्चुअली देख सकते हो। तो चलो इसको रख दो साइड में, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और फिर हमें जो देखने को मिलता है वो है क्या है ये, अच्छा स्टैंड, जिसके ऊपर हमें इसको स्टैंड करना है, यानी कि रखना है। भाई साहब कवर तो इतना बड़ा दे दिया, तभी हमारा फैमिली भी घुस जाए इसके अंदर, रियली
ओके सो कभी कभी अगर हमें बारिश की प्रॉब्लम हो तो हम सर पे लेके भी जा सकते हैं। चलो अमेजिंग, इसके साथ किस तरीके से सेटिंग करना है पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है और हम इसको डाल देते हैं। फिर जो नेक्स्ट चीज हमें देखने को मिलता है वो है अगला स्टैंड, यानी कि आप किसी को मुक्का मारना हो तो इससे मार सकते हो, यानी कि एक्चुअली ये स्टैंड है और ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, इसको भी रख दो। और फिर जो हमें देखने को मिलता है वो है कुछ केबल वगैरह। चलो अभी तो इसको ओपन कर ही लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, हाँ फाड़ने से ही काम चलेगा, नहीं तो होगा भी नहीं। अच्छा तो ये देख सकते हो केबल वगैरह अमेजिंग है, ये इसका बॉक्स वगैरह सब कुछ बना हुआ है, यानी कि ढक्कन वगैरह। और ये देखो दूसरा केबल जो थोड़ा सा यूनिक बनाने की कोशिश किया, मैंने बहुत सारे कंप्यूटर में देखा है लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा है ना विशाल। अब हमारा ओपन होने वाला है स्पेशल चीज जिसके लिए इतने दिन से हम इंतजार कर रहे थे। सो है अपना रेडियो। अच्छा रेडियो, बड़ा हरामी हो बेटा, ऐसा रेडियो नहीं है ये। अब इसको हटा लो थोड़ा सा, इसके अंदर और कुछ नहीं होने वाला शायद। और ये हमारा ओपन होने वाला है, जस्ट वॉच। तो फटाफट ताली मारने के अलावा भाई लाइक कर दो। अरे तो ये है वो, सो एक्चुअली काफी मजेदार है और एडिटिंग करने में भी काफी मजा आएगा भाई साहब। तो इनका तो बल्ले बल्ले होने वाला है और थोड़ा सा ही साइड से भी देख सकते हो। ओके और इसका बैंड देख लो कितना बढ़िया है, ऐसे करके रखते हैं तो पता चल जाएगा है ना। तो देख सकते हैं ये है वो जिसके लिए हम इतने दिन से इंतजार कर रहे थे। ये पीछे का साइड है, आप यहाँ पर आप पॉइंट वगैरह देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। तो एक्चुअली काफ़ी इसका साइनिंग जो भी है वो बहुत बढ़िया है, घुस जाता है ये सर। हाँ ये ऐसे घुसेगा और फिर नीचे से मैं घुस जाऊँगा, कोई बात नहीं हम तो चुके हैं। तो यही है जो भी है, अभी मैं इसको सेटअप कंप्लीट करता हूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।